डियर कैडेट्स, जय हिंद जय भारत। डियर कैडेट्स, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, जो आपके परीक्षा होने वाले हैं, उसकी दृष्टि से हम सभी लोग एनसीसी की जो परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्नों का अभ्यास पिछले कुछ क्लास से, पिछले कुछ कक्षाओं से, वीडियो से हम लोग कर रहे हैं। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज मैं आप सभी लोगों के लिए 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं हम आपके लिए, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, हाउ डज गोल सेटिंग कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लक्ष्य निर्धारण व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार योगदान देता है। ये ऑप्शन आर ए, गोल इटसेल्फ इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लक्ष्य स्वयं एक व्यक्तित्व विकास है। बी है, बाय गोल सेटिंग द फुटबॉल प्लेयर्स डिस्कस द होल गेम प्लान, लक्ष्य निर्धारित करके फुटबॉल खिलाड़ी पूरे गेम प्लान पर चर्चा करते हैं। सी, सेटिंग गोल्स बीइंग ओपन टू फीडबैक, सीकिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, लक्ष्य निर्धारित करना, प्रतिक्रिया के लिए खुला रहना, आत्म सुधार की तलाश करना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। एंड डी इज, बाय गोल सेटिंग अ फुटबॉल प्लेयर स्कोर्स मेनी गोल्स, लक्ष्य निर्धारण के अनुसार एक फुटबॉल खिलाड़ी कई गोल करता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर, आप जल्दी से सही उत्तर को अपने मार्क कर दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प होगा, दैट विल बी द सी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वो सही है, लक्ष्य निर्धारण व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार योगदान देता है। हाउ डज गोल सेटिंग कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका जो राइट आंसर है सी है, इट कंट्रीब्यूट बाय सेटिंग गोल्स बीइंग ओपन टू फीडबैक, सीकिंग सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, या लक्ष्य निर्धारित करने, प्रतिक्रिया के लिए खुले रहने, आत्म सुधार की तलाश करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में योगदान देता है, मदद देता है। सो इस तरह से सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द पोजिशन ऑफ यस ऑन सेफ्टी कैच इंडिकेट्स, राइफल प्रति सेफ्टी कैच की पोजिशन यस का क्या मतलब होता है। राइफल पर सेफ्टी कैच यस बना होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, मतलब होता है। ऑप्शन आर सेफ, सुरक्षित, सॉफ्ट, नरम, साइड दृष्टि या राइट सीधा। तो डियर कैडेट्स, अपने आंसर को जल्दी से आप मार्क कर दीजिए। इसके पहले भी हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, सेफ, सुरक्षित। राइफल की सेफ्टी कैच की पोजिशन यस का मतलब है राइफल को सुरक्षित पर सेट किया गया है। राइफल को सुरक्षित पर सेट करने के लिए फायर सिलेक्टर को पूरी तरह से ऊपर की ओर घुमाना होता है और उससे सीयर ब्लॉक हो जाता है और राइफल फायर नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, हाउ कैन समवन इंप्रूव देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल को कैसे सुधार सकता है। आपके ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, बाय ए, इट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रैक्टिस, ज्वाइनिंग अ पब्लिक स्पीकिंग क्लब एंड रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इसे अभ्यास सार्वजनिक भाषण क्लब में शामिल होने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। बी है, बाय टेकिंग ट्यूशन क्लासेस टू शिक्षा लेने से। सी, बाय गिविंग लेक्चर टू सीनियर्स या वरिष्ठों को व्याख्यान देकर। डी, बाय टेकिंग ओपिनियन ऑफ सेल्फ फ्रॉम ऑल पर्सन हुम वन नोज, आप जानने वाले सभी लोगों से अपने बारे में राय लेकर के। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो सही उत्तर डियर कैडेट्स वो क्या है, आप सभी लोग समझ गए होंगे, अपने आंसर को जल्दी से मार्क कर दीजिए। राइट आंसर इज, इसका जो डियर कैडेट्स, इसका जो सही उत्तर है दैट इज द ए ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है सही उत्तर है, यदि आपको अपना पब्लिक स्पीकिंग स्किल सही करना, अपना सार्वजनिक बोलने के जो कौशल है उसमें सुधार करना है, तो आपको इसका अभ्यास करना चाहिए, सार्वजनिक भाषण क्लब को में शामिल होना चाहिए और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के माध्यम से आप अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से ए विकल्प जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, मैगजीन कैच दबाने से राइफल का कौन सा पुर्जा अलग किया जा सकता है, अनप्रेसिव मैगजीन कैच, विच पार्ट ऑफ द राइफल कैन बी डिटैच्ड। योर ऑप्शंस आर ए, बोल्ट, बी स्लिंग, सी मैगजीन एंड डी रेंज प्लेट। तो डियर कैडेट्स, आप अपने जो आंसर को जल्दी से लॉक कर दीजिए, अपने आंसर को जल्दी से दे दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या है, दैट इज द सी ऑप्शन, मैगजीन। व्हेन यू प्रेस द मैगजीन कैच ऑन ए राइफल, द मैगजीन कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम द फायर आर्म। मैगजीन कैच दबाने से राइफल का जो मैगजीन होता है उससे अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न है,
व्हाट आर द कीज टू इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास में प्रभावी संघर्ष समाधान की कुंजी क्या है। आपके ऑप्शन है ए, इट इंक्लूड्स एक्टिव लिसनिंग, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड एंड सीकिंग विन विन सोल्यूशन, इसमें सक्रिय रूप से सुनना, सामान आधा टूटना और जीत जीत समाधान तलाशना शामिल है। बी, नॉट टू इंडल्ज इन फाइट, झगड़े लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं होना। सी, स्टे सेट अप टू अ पर्सन एंड मूव अवे, किसी व्यक्ति से चुप हो जाओ और दूर चले जाओ। एंड डी, नॉट टू हैव गुड फूड टूगेदर, एक साथ भोजन न करना। तो डियर क्रेडिट्स, व्यक्तित्व विकास में प्रभावी संघर्ष समाधान की कुंजी क्या है, इसका जो सही उत्तर आप जल्दी से मार्क कर दीजिए। इसका राइट आंसर जो है, राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज द ए ऑप्शन, इट इंक्लूड्स एक्टिव लिसनिंग, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड एंड सीकिंग विन विन सॉल्यूशंस, इसमें सक्रिय रूप से सुनना, सामान आधा ढूंढना और जीत जीत समाधान तलाशना शामिल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न द पॉइंट टू मार्क 4 राइफल हैज नंबर ऑफ राउंड्स इन इट्स मैगजीन। 0.22 मार्क 4 राइफल की मैगजीन में कुल कितने राउंड होते हैं। आपके विकल्प हैं 10, 5, 15 और 20। तो डियर कैडेट्स, इस प्रश्न को हम लोगों ने पहले भी देखा है, जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कर दीजिए। द राइट आंसर इज राइट ऑप्शन इज ए, 10। 0.22 कैलिबर की राइफल की मैगजीन में आमतौर पर 10 राउंड होते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, एनसीसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। योर ऑप्शन आर ए, ऑन द फोर्थ संडे ऑफ नवंबर, नवंबर माह के चौथे रविवार को। बी है 15 जुलाई, सी 27 नवंबर एंड डी 24 नवंबर। तो डियर कैडेट्स, एनसीसी डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है, आप अपने आंसर को जल्दी से मार्क कर दीजिए। द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, फोर्थ संडे ऑफ नवंबर, नवंबर माह के चौथे रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1948 के अंतिम रविवार को दिल्ली में पहली एनसीसी इकाई की स्थापना के समारोह की अध्यक्षता की थी, और इस दिन को पारंपरिक रूप से हम एनसीसी दिवस के रूप में मनाते हैं, या एनसीसी दिवस के रूप में यह दिवस, तिथि या नवंबर माह का जो चौथा रविवार है वह मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन इज हाउ कैन लीडर्स प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी विद इन देयर टीम। नेता अपनी टीम के भीतर नवाचार और रचनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकता है। ऑप्शन आर, लीडर कैन प्रमोट इनोवेशन बाय फोस्टिंग अ क्रिएटिव एनवायरमेंट, रिवार्डिंग रिस्क टेकिंग एंड वैल्यूइंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। नेता रचनात्मक वातावरण को बढ़ावा देकर, जोखिम लेने की को पुरस्कृत करके और विविध दृष्टिकोणों को महत्व देकर नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। बी, लीडर्स कैन प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बाय स्पेंडिंग टाइम ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। नेता अनुसंधान और विकास कार्यों में समय व्यतीत करके नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। सी, लीडर्स कैन प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बाय नेट सर्फिंग एंड गेटिंग आइडियाज फ्रॉम देयर। नेता नेट सर्फिंग और वहां से विचार प्राप्त करके नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। डी, लीडर्स कैन प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बाय टेकिंग क्लास ऑन आर्ट एंड क्रिएटिविटी। नेता कला और रचनात्मकता पर कक्षा लेकर नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। तो डियर क्रेडिट्स, जितने भी ऑप्शन है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो उत्तर है ऑप्शन कौन सा है, अपने आंसर मार्क करें, दैट इज द ए ऑप्शन। नेता रचनात्मक वातावरण को बढ़ावा देकर, जोखिम लेने को पुरस्कृत करके और विविध दृष्टिकोणों को महत्व देकर नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्या ना, व्हाट इज द मजल वेलोसिटी ऑफ 0.22 इंच डीलक्स राइफल। 0.22 इंच डीलक्स राइफल की मजल वेलोसिटी क्या है। ऑप्शन आर 2700 फीट, 2800 फीट, 2650 फीट या 2600 फीट प्रति सेकेंड। जो मजल वेलोसिटी है क्या है, 2700 फीट पर सेकेंड, 2800 फीट पर सेकेंड, 2650 फीट पर सेकेंड या 2600 फीट पर सेकेंड। तो डियर क्रेडिट्स, अपने आंसर को जल्दी से मार्क कीजिए। इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज 2700 फीट पर सेकेंड, 2700 फीट पर सेकेंड है 0.22 इंच डीलक्स राइफल की मजल वेलोसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, हाउ कैन लीडर्स लीव अ लास्टिंग लेगेसी विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। नेता अपने संगठन के भीतर एक स्थायी विरासत कैसे छोड़ सकते हैं। ऑप्शन आर, लीडर्स कैन लीव अ लास्टिंग लेगेसी बाय लिविंग विद द मोटो ऑफ ड्यूटी एंड अनटू डेथ। नेता मृत्यु पर्यंत कर्तव्य के आदर्श वाक्य संग्रह कर एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। बी, लीडर्स कैन लीव अ लास्टिंग लेगेसी बाय लिविंग विद द मोटो ऑफ द यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेता एकता और अनुशासन के आदर्श वाक्य संग्रह कर एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। सी, लीडर्स कैन लीव अ लास्टिंग लेगेसी बाय बीइंग मॉडेस्ट इन देयर आउटलुक एंड पर्सनल डीलिंग्स। नेता अपने दृष्टिकोण और व्यक्तिगत व्यवहार में विनम्र होकर एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। अथवा डी, लीडर्स कैन लीव अ लास्टिंग लेगेसी बाय
मेंटरिंग एंड डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड अचीविंग एंड्यूरिंग रिजल्ट्स। नेता भविष्य के नेताओं को सलाह और विकास करके एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाकर और स्थायी परिणाम प्राप्त करके एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जितने भी ऑप्शंस देखो सभी ऑप्शंस में से जो मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है दैट इज द डी ऑप्शन। नेता भविष्य के नेताओं को सलाह और विकास करके एक सकारात्मक कार्य संस्कृति बनाकर और स्थायी परिणाम प्राप्त करके एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोजिशन टू फायर, फायरिंग करने के लिए सबसे आरामदायक स्थिति क्या होती है। ऑप्शन सारा आपको जो विकल्प है वो क्या है, सिटिंग पोजिशन, बैठने की स्थिति, बी स्टैंडिंग पोजिशन, खड़े होने की स्थिति, लाइन पोजिशन है लेटने की स्थिति, डी नीलिंग पोजिशन है घुटने टेकने की स्थिति। तो डियर केड्स अपने आंसर को जल्दी से मार्क कीजिए। फायरिंग करने के लिए सबसे जो आरामदायक स्थिति होती कौन सी होती है, दैट इज द लेटने की स्थिति है लाइन पोजिशन। सो हियर सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फायरिंग करने के लिए सबसे आरामदायक स्थिति पेट के बल लेटकर होती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटरशिप इन लीडरशिप डेवलपमेंट, नेतृत्व विकास में परामर्श की क्या भूमिका है। आपके विकल्प जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। ए मेंटरिंग प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, मेंटरशिप वित्तीय सहायता सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती है। बी है मेंटरशिप प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट इंक्लूडिंग इमोशनल सपोर्ट, मेंटरशिप भावनात्मक समर्थन से सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती है। सी मेंटरशिप प्रोवाइड गाइडेंस सपोर्ट एंड नॉलेज ट्रांसफर फ्रॉम एक्सपीरियंस लीडर टू इमर्जिंग लीडर्स, मेंटरशिप अनुभवी नेताओं से उभरते नेताओं को मार्गदर्शन समर्थन ज्ञान हस्तांतरण प्रदान करती है। डी मेंटरशिप प्रोवाइड्स होमली एटमॉस्फेयर एट ऑल टाइम्स टू लीड टू इट्स फॉलोअर, टीम मेंटरशिप अपने अनुयायियों और टीम को हर समय घरेलू माहौल प्रदान करता है। इसमें जो सबसे सही विकल्प है, सबसे अप्रोप्रिएट विकल्प वो क्या है, दैट इज द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ राइफल व्हाट डज द पोजीशन आर ऑन सेफ्टी कैच इंडिकेट, राइफल सेफ्टी कैच की पोजीशन आर का क्या मतलब होता है। ऑप्शन सारे रिपीट फायर, रैपिड फायर, रिक्विजिट फायर या रिट्रीट फायर। तो जो राइफल में आर जो सेफ्टी कैच होता है उसका जो मतलब होता है क्या होता है, जल्दी से अपने आंसर को मार्क करिए, दैट इज द रैपिड फायर। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न क्या चाहता है, हाउ कैन लीडर्स मोटिवेट देयर टीम मेंबर्स, नेता अपने टीम के सदस्यों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। आपके विकल्प हैं, आपके ऑप्शंस हैं, ए लीडर्स कैन मोटिवेट देयर टीम मेंबर्स बाय बीइंग अ फ्रेंडली टू देम एंड नॉट शाउटिंग एट देम, नेता अपने टीम के सदस्यों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके उन पर चिल्लाए बिना उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। बी लीडर्स कैन मोटिवेट देयर टीम मेंबर्स बाय गिविंग देम लीव व्हेनेवर दे आस्क फॉर इट, नेता अपनी टीम के सदस्यों को जब भी वे छुट्टी मांगे उन्हें छुट्टी देकर प्रेरित कर सकते हैं। सी मोटिवेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू रिकॉग्नाइजिंग सेटिंग चैलेंजेस गोल्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, प्रेरणा को मान्यता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने, विकास के अवसर प्रदान करने और एक सहायक वातावरण बनाने के माध्यम से प्राप्त किया सकता है। डी लीडर्स कैन मोटिवेट देयर टीम मेंबर्स बाय स्पॉन्सरिंग देयर हॉलीडेज टू, नेता अपनी छुट्टियों की दौरों को प्रायोजित करके अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित कर सकता है। नेता अपनी टीम के सदस्यों को छुट्टियों के दौरों को प्रायोजित करके इन्हें प्रेरित कर सकता है। डबल रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो क्या होगा, जल्दी से आप अपने आंसर को मार्क कर दीजिए डियर कैडेट्स। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, प्रेरणा को मान्यता चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने, विकास के अवसर प्रदान करने और एक सहायक वातावरण बनाने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ राइफल पॉइंट टू डीलक्स बीए इज, राइफल पॉइंट टू टू डीलक्स बीए की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन सर 45 इंच, 43 इंच, 50 इंच या 48 इंच। तो जल्दी से अपने आंसर को मार्क करिए, जो राइट आंसर इज 43 इंच, 0.22 डीलक्स राइफल की लंबाई 43 इंच होती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ कैन लीडर फोस्टर ए पॉजिटिव वर्क कल्चर, एक नेता सकारात्मक कार्य संस्कृति को कैसे बढ़ावा दे सकता है। ऑप्शन आर, अ लीडर कैन फोस्टर ए पॉजिटिव वर्क कल्चर बाय गिविंग द दे बिलीव हॉलिडे व्हेनेवर ए वर्कर्स आस्क फॉर, जब भी कोई कार्यकर्ता मांगता है तो एक नेता उन्हें छुट्टियां देकर सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। बी अ लीडर कैन फोस्टर ए पॉजिटिव वर्क कल्चर बाय गिविंग एम्प्लॉइज फेस्टिवल एडवांस, एक नेता कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम देकर सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। सी अ लीडर कैन फोस्टर ए पॉजिटिव वर्क कल्चर बाय गिविंग इंसेंटिव्स एंड प्रमोशन, एक नेता प्रोत्साहन और पदोन्नत देकर सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। डी अ पॉजिटिव वर्क कल्चर कैन बी सेट बाय सेटिंग पॉजिटिव एग्जांपल्स, प्रमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवार्डिंग अचीवमेंट, सकारात्मक उदाहरण स्थापित करके खुले संचार को बढ़ावा देकर और उपलब्धियों को पहचान कर प्रोत्साहित करके एक सकारात्मक कार्य संस्कृति स्थापित की जा सकती है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए उसमें से तो डी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर वाज द एनसीसी रेज्ड इन इंडिया, भारत में एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई।
ऑप्शन 1936, 1949, 1950 और 1960। तो जल्दी सब अपने आंसर को मार कर दीजिए। राइट आंसर जो है वो क्या है, दैट इज बी 1948। भारत में एनसीसी का गठन 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज लीडरशिप, नेतृत्व क्या है। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू विन इलेक्शन, नेतृत्व चुनाव जीतने की क्षमता है। बी लीडरशिप इज द एबिलिटी टू बिकम स्टूडेंट यूनियन लीडर, नेतृत्व छात्र संघ नेता बनने की क्षमता है। सी लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गिव लेक्चर फॉर लॉन्ग आवर्स, नेतृत्व लंबे समय तक व्याख्यान देने की क्षमता है। डी लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव अ कॉमन गोल, नेतृत्व प्रभाव का मार्गदर्शन करने और व्यक्तियों के समूह को एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने। डियर कैडेट्स, इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज लीडरशिप, नेतृत्व क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी, जिसका जो सही उत्तर होगा, जितने भी ऑप्शंस दिए उन सभी ऑप्शंस से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, उपयुक्त सबसे ज्यादा उपयुक्त जो ऑप्शन है विकल्प है, दैट इज द डी ऑप्शन। जो लीडरशिप है या नेतृत्व है वो क्या है, यही प्रश्न है। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव अ कॉमन गोल। नेतृत्व जो है वह नेतृत्व प्रभाव का मार्गदर्शन करने और व्यक्तियों के एक समूह को एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता होती है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट एन इंडियाज नेबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी मालदीव, चाइना, इंडी भूटान। तो डियर कैडेट्स, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, आप जानते भी हैं। तो हमारे हमारा जो देश है भारत, इस देश का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन सभी ऑप्शंस में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आपको चुनना है। तो जो सब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हुआ, दैट इज द ए ऑप्शन, सिंगापुर। जो भारत के पड़ोसी देश है उसमें अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश है, भूटान है, चीन है, मालदीव है, म्यांमार है, श्रीलंका है, नेपाल है, सारे देश भारत के पड़ोसी देश है, लेकिन जो सिंगापुर है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर इंडिया के मैप को आप देखिए, तो आप इंडिया का मैप देखिए, आपकी स्क्रीन पर भारत है, भारत के एकदम उत्तर में आप देखिए उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान है, उसके ऊपर अफगानिस्तान है, पूर्व में देखिए उत्तर पूर्व में नेपाल, भूटान, चीन है, फिर म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और मालदीव है। तो इस तरह से जो भी जो ऑप्शन दिएगा, उन सभी ऑप्शन में से जो सिंगापुर, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय एकता को किस रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज, जो राष्ट्रीय एकता उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। नाउ अगला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 वर्ड, क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न है हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। आपके विकल्प जो है ए मैरी क्यूरी, बी अल्फ्रेड रसेल वेन, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एंड डी थॉमस एडिसन। तो डियर कैडेट्स, इसके बारे में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। तो राइट ऑप्शन क्या है, जो सही उत्तर है उसको जल्दी से आप मार्क कर दीजिए। राइट ऑप्शन एच जो सही उत्तर है, दैट इज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वाज स्कॉटिश बॉर्न कैनेडियन अमेरिकन इन्वेंटर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, हु इज क्रेडिटेड विद द पेटेंटिंग द फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन। जो सब पहला प्रैक्टिकल टेलीफोन बना था उसको ग्राहम बेल ने ही पेटेंट कराया था, इसलिए इन्हीं को कहा जाता है कि टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल जी हैं। तो डियर क्रेडिट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अभ्यास किया। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए डियर कैडेट्स आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम होगा बहुत ही अच्छा जाएगा, आप अच्छे मार्क्स से, अच्छे ग्रेड से बी प्रमाण पत्र, सी प्रमाण पत्र को उत्तीर्ण कर पाएंगे। तो डियर कैडेट्स, जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने मित्र कैडेट के साथ, जो भी आपके सहपाठी कैडेट्स हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड या एनसीसी से रिलेटेड जो भी नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर कैडेट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।